साथ है रमनजीत सिंह गांधी जी, ओल्ड राजेंद्र नगर से। तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने हमारी एनजीओ ग्लोबल मेडास फाउंडेशन को ज्वाइन किया है आज। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत और पूछते हैं इनके विचार। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आपका? बिल्कुल ठीक जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने हमारी एनजीओ ग्लोबल मेडास फाउंडेशन ज्वाइन की है, तो और आपके एरिया में ओल्ड राजेंद्र नगर में इसके बेसिस पे हेल्थ कैंप लगा है और पब्लिक ग्रीवेंस हेल्थ कैंप लगा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हेल्थ कैंप लगाना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, सबको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैंप चलता रहेगा, अब ये करोलबाग जाएगा, पटेल नगर जाएगा, जहाँ तक मेरी अप्रोच है वहाँ तक मैं इसको लेके जाऊँगा। बाकी सब कुछ वाहेगुरु के हाथ में, कराने वाला वो है। तो आपने हमारी आज एनजीओ ज्वाइन की है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने बस साथ देना हमारा और हमने काम करना, बस मिलके काम करना। तो इस एनजीओ के साथ आपकी और आगे क्या योजनाएं हैं, इन फ्यूचर आपका क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए जी, अभी तो बढ़ावा देंगे कम्युनिटी को कि सारे आगे आएँ, सारे अपना योगदान करें। जी जी जी, जो जो काम कर सकते हैं हमारे साथ मिलके काम करें। जी जी, हमें ज्वाइन करें, हमारी एनजीओ को ज्वाइन करें। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी रणवीर दत्ता और मैं 10 ब्लॉक सामने ही रहता हूँ जहाँ पे ये कैंप लगा हुआ है। ये कैंप देखकर मैं इधर आया हूँ और इन्होंने मेरा शुगर टेस्ट किया है और बीपी लिया है, दोनों ठीक आए वैसे, बट बहुत अच्छा है, बड़ा सेवा का काम है ये। और सरदार जी को स्पेशल मेयर है वाहेगुरु नानक जी की कि इन्होंने ये कैंप चलाया है, तो आप खुशी की बात है। आपको हमारी टीम का, हमारे स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बड़े कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा होना चाहिए। तो आपको आप चाहते हैं कि आगे इन फ्यूचर भी ऐसे कैंप्स लगते रहें? लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए और भगवान इनका, वाहेगुरु इनका भला करे, मैं तो यही कहूँगा सर। थैंक यू। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा पब्लिक ग्रीवेंस सेल भी यहाँ पे लगा है, तो अगर आपको अपने एरिया में कोई दिक्कत परेशानी है आप वो भी हमें यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी है? नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं, सबसे परेशानी बड़ी यही थी जो इन्होंने सॉर्ट आउट कर दी है। थैंक यू वेरी मच इनका और गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जोर अहमद अजाम। आज हाँ जी, मैं जी कश्मीर से आया हूँ यहाँ हॉस्पिटल। तो आज आप यहाँ पे आए, आपने हमारी टीम ने जो यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाया है हमारी एनजीओ ने, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, यहाँ तो चेकिंग हो रही है। जी, मेरी बहन बीमार थी, उसको तो चेकिंग हुई है, स्टोमच प्रॉब्लम थी। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपको हमारे स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा बिहेवियर लगा है, बहुत अच्छा बिहेवियर लगा है, उन्होंने अच्छी तरीके से जांच भी करवा दिए। तो आप चाहते हैं आगे भी ऐसी जांचें होती रहनी चाहिए, ऐसे हेल्थ कैंप लगते रहने चाहिए? हाँ, हर जगह पे, हर हिंदुस्तान में हर जगह पे, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, कहीं भी, हर जगह पे एक हेल्थ कैंप होना चाहिए, क्योंकि हमारे कश्मीर में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको दवाई के लिए पैसा भी नहीं होता है, डॉक्टर का फीस के लिए पैसा नहीं होता है, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कैंप कश्मीर में भी लगना चाहिए। जी, धन्यवाद। हाँ जी मैडम, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम राजकुमारी है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं यहीं ओल्ड राजेंद्र नगर की रहने वाली हूँ। जो आपने जो आपने ये कैंप लगाई है बहुत अच्छी लगी हमारे को। जो स्टाफ वाले हैं बहुत अच्छे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं और इनकी रिजल्ट भी बहुत अच्छी तरह से आ रही है सबकी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि आपके ये कैंप बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं जो आपकी ये कैंप सक्सेस जाएगी। तो आप हमारे ये स्टाफ के बिहेवियर से सेटिस्फाई हैं? बहुत अच्छी तरह से। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो आप चाहते हैं इन फ्यूचर भी ऐसे कैंप्स आपके एरिया में लगते रहने चाहिए? हाँ, जरूर लगने चाहिए और हर मन तो लगने ही चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कैलाश नागपाल है। आज हमारी टीम ने यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाया और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे पब्लिक ग्रीवियंस सेल का भी एक सेल लगा है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको अपने इलाके में कोई मतलब दिक्कत परेशानी है? ऐसा है, गाड़ियाँ डंप पड़ी हैं, उसके नीचे सफाई नहीं हो पाती, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो नॉइज़ पोल्यूशन इसीलिए है कि ट्रैफिक में गाड़ियाँ इतनी खड़ी हैं, ये सारी यहाँ से हटें तो कम हो जाए, जगह मिले पार्किंग के लिए। जी, तो वो समस्या है यहाँ पे। जी जी, इसके अलावा आपकी कोई और समस्या? सड़कों में बुरा हाल है, सड़कें नहीं हैं। जी, सड़कों में खड्डे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सफाई होनी चाहिए, सड़कें रिपेयर होनी चाहिए, पिछले 5 साल से कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब आपने यहाँ पे काउंसलर के पास या आपने एमएलए के पास जाके कंप्लेंट वगैरह की? उनके पास फंड ही नहीं है जी।
अच्छा जी, हाँ जी, फंड नहीं है, वो कह रहे दिल्ली गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब आप उनके पास गए तो कोई सुनवाई नहीं है, दिल्ली देने का पैसा नहीं है उनके पास, तो जी जी कहाँ से करेंगे जी, रिपेयर तो ही नहीं, मतलब पूरी हमारे पूरे राजेंद्र नगर एक पत्थर भी नहीं लगा 5 साल के अंदर। अच्छा जी, एक पत्थर नहीं लगा, किसी पर बोला भी यहाँ हमने ये करवाया, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ खड़े हैं गुरुद्वारा ब्लॉक नंबर 1 ओल्ड राजेंद्र नगर के वाइस प्रेसिडेंट और साथ में जनरल सेक्रेटरी, आइए मनमोहन सिंह जी, आइए जानते हैं उनसे उनकी राय कि जो उनके एरिया में हेल्थ कैंप लगा है और पब्लिक ग्रीवेंस सेल लगा है तो उनका क्या कहना है इस बारे में। हाँ जी सर, जो आपके एरिया में यहाँ पे आज हमने, हमारी टीम ने, हमारे एनजीओ ने हेल्थ कैंप लगाया, उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये सीनियर सिटीजन के लिए और भी लोगों के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट करवा रहे हैं तो उसके बारे में अच्छा जानकारी मिल जाती है। तो आपको हमारे स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है, ये मैंने भाई साहब से भी बोला है कि जी, बहुत जी। अच्छा किया आपने यहाँ पे कैंप लगा के जी, तो उससे यह है कि थोड़ा सा चलो टेस्ट वगैरह हो जाते हैं तो पता लग जाता है, मालूम जी जी। तो सर, आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे हेल्थ कैंप लगते रहने चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए ये बहुत अच्छा है कि उनको एक तो दूर नहीं जाना पड़ता और ये कैंप लगातार लगने चाहिए, यानी कि आज लग गया उसके बाद फिर 2-3 महीने तक कोई नहीं आए, तो ये कैंप हर 15 दिन के बाद या 1 महीने में एक बार जरूर लगना चाहिए। एक तो सीनियर सिटीजन दूर जा नहीं सकते और उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये कैंप, ऐसे कैंप लगने चाहिए। बिल्कुल। और सर, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि हमारा यहाँ पे पब्लिक ग्रीवेंस सेल का कैंप भी लगा है जो रमनजीत सिंह गांधी जी देख रहे हैं, तो क्या आपको अपने एरिया में कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई परेशानी नहीं। मतलब कोई रोड से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड या कुछ भी सीवरेज से रिलेटेड? पानी से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, बाकी रोड से रिलेटेड हमारे को प्रॉब्लम है। राजेंद्र नगर में पूरे रोड हर जगह पे टूटे फूटे पड़े हैं और रोड बिल्कुल ठीक नहीं है जी, और यहाँ पे आप बाइक से तो जा, बाइक से और स्कूटी से तो जा ही नहीं सकते जी जी। तो हर टाइम ये डर लग रहा था कि हमको अगर मार्केट तक भी जाना है तो ये डर लगता कि हमारा स्कूटी स्लिप ना हो जाए, कहीं हमारे को कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, तो रोड ये इसके राजेंद्र नगर बहुत ख़राब है, रोड ठीक होने चाहिए जी जी। तो आपने इस बारे में काउंसलर या अपने एमएलए से कंप्लेंट की है आगे? हाँ जी, कंप्लेंट की हुई है हमने। तो उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका तो यही कहना है कि हम करवा देंगे जी जी, पर काम कोई हो नहीं रहा, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, सुनवाई नहीं। ठीक है जी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा पब्लिक ग्रीवेंस सेल देख रहे हैं तो आप इनके पास कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, ईस्ट पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर और करोल बाग की सारी कंप्लेंट्स यही देख रहे हैं। तो हमारा लॉ फर्म भी है, लीगल सेल भी है, तो हम उसके थ्रू आगे डिपार्टमेंट के पास जाके आपकी प्रॉब्लम को टेकअप करेंगे और उसकी ज़रूर सुनवाई होगी। थैंक यू। और अंकल जी, आपका, आपके कोई व्यूज़, आपका हेल्थ कैम आप चेक करवा के आए, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि तो यहाँ का जो आपका स्टाफ आया जी, उनका वेरी गुड बिहेवियर, वो बड़ा अच्छा, मैं जैसे सीनियर सिटीजन को पूरी रिस्पेक्ट मिल रही है जी जी, उन्होंने बिठा के मेरे सारे ये टेस्ट जो किए हैं जी, तो ये आपने जो इनिशिएटिव लिया बहुत ही अच्छा, खासकर सीनियर सिटीजन तो मेरे बहुत ही खुश होकर गए हैं यहाँ से जी जी जी, क्योंकि हमें टेस्ट वगैरह के लिए काफ़ी दूर दूर भी जाना पड़ता है और टेस्ट आपको थोड़े महंगे भी हैं जी, लेकिन यहाँ तो बड़ा अच्छा इंतजाम किया आपने, पूरा सेटिंग का भी है और स्टाफ का बिहेवियर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। थोड़ा जो इन्होंने रोड्स की प्रॉब्लम बताई है, हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही है, उसमें कोई मतलब वो नहीं कर, रोड्स की यहाँ कंडीशन मतलब कि ठीक नहीं है बिल्कुल ही। ठीक है, अगर किसी तरह आप हमारी आवाज़ इन तक पहुँचा, हम तो कंप्लेंट करते हैं जी जी जी, लेकिन कोई इतना हमें रिस्पांस नहीं आता जी, बिल्कुल। अभी भी उसी तरह के हर सड़क पे खड्डे हैं, छोटे छोटे मतलब रिक्शा या ई रिक्शा पे जब हम जाते हैं तो बड़ी उसमें भी बड़ी दिक्कत आई। नहीं नहीं, ज़रूर आपका सुना जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, से ये कुछ हो जाए बिल्कुल तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा जी। वैसे आज का यहाँ आके मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और पूरी रिस्पेक्ट मिली है। थैंक यू वेरी मच।